नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौगात पर ग्रहण में। वर्ष गौरी सीएम भूपेश बघेल की कर्मचारियों की दीपावली सौगात पर, अब आपको बता दें सर्वर का ग्रहण लग गया है जिसकी वजह से कर्मचारियों में बेचैनी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ट्रेजरी का सर्वर 24 घंटे से डाउन है और जिससे विभागों के बिल अब अटक गए हैं और भुगतान रुका हुआ है। सर्वर के डाउन होने से न केवल अधिकारियों बल्कि कर्मचारियों की भी चिंताएं अब बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के मुताबिक सातवें वेतनमान के एरियर और सैलरी का भुगतान 23 से 24 अक्टूबर तक होना था, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से अब बिल पेंडिंग है। अब ऐसा लगता है कि इस मरतबा कर्मचारियों की ये वाली जो दीपावली है वो भी की ही रहेगी, क्योंकि सभी को दीपावली पर पैसों की जरूरत होती है और सर्वर के अलावा ट्रेजरी में और भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिसकी वजह से बिल को पास किया जा सके। ऐसे में आज चर्चा सौगात पर ग्रहण के इसी बेहद ही खास मुद्दे पर। कर्मचारी संघ के नेता विजय झा का कहना है कि मंगलवार से सर्वर डाउन है और बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। राजधानी का ये हाल है तो समझा जा सकता है कि बक्सर में क्या स्थिति होगी। उनका कहना है कि यहाँ जो सर्वर चलता है इसका कंट्रोल मंत्रालय से होता है। उन्होंने ट्रेजरी और इस विभाग से जुड़े तमाम बड़े अधिकारियों से अपील की है कि जल्द से जल्द सर्वर को ठीक किया जाए जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को भुगतान हो सके। 27 तारीख को दिवाली है और इस दिवाली कर्मचारियों को वेतन देने के साथ ही सातवां वेतनमान के एरियर्स देने के लिए सीएम भूपेश बघेल का आदेश हुआ है। इसको लेकर कर्मचारी कितने सजग हैं, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, इस वक्त हम टेजरी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम विभाग के कर्मचारीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो आपके सामने ये जो दिख रही है फाइलें, ये सिर्फ बिल का ये बिल है जो यहाँ पे अपने बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पे दम तोड़ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्वर रूम है, ये जहाँ टेजरी जहाँ बिल लगाया जाता है वहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिख दिया है कि सर्वर डाउन, लिंक फेल है, असुविधा के लिए खेद है। तो इस तरह की जब सर्वर डाउन के जो समस्या है तो इससे अब हो सकता है कि ये कर्मचारियों को किस तरह से इनका भुगतान हो पाएगा। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सर्वर डाउन कब से है यहाँ पे जो लगा है कि खेद है, बोर्ड लगा दिए हैं? ये कल से सर्वर डाउन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व 24-25 तारीख को वेतन देने का और सातवां वेतनमान के दूसरे किस्त का भुगतान दिवाली के पहले करने का आदेश किया था। उसके अंतर्गत सब विभाग से बिल जमा कर रहे हैं, लेकिन रायपुर ट्रेजरी में आप देख रहे हैं सर्वर डाउन होने के कारण, सर्वर फेल होने के कारण ये बिल जमा नहीं हो रहे। ये सभी विभाग से हमारे कर्मचारी बिल लेकर के आए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि यदि यही हाल रहा तो मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया था कि दीपावली के पूर्व वेतन और एरियर्स मिलेगा, ये संभव नहीं लगता, क्योंकि आज 23 तारीख हो गया। मुख्यमंत्री जी ने 24 और 25 को वेतन की बात की थी, जब तक बिल जमा नहीं होगा ऑनलाइन तब तक के नहीं मिल पाएगा। आप कौन से विभाग से आए हैं? मैं सर कर्मचारी राज्य सेवा बैंकुर से आया हूँ। कितने का बिल है आपका? मेरा मतलब वेतन बिल है इस माह का और एरियर्स बिल है सातवें वेतनमान की द्वितीय किस्त। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ का? नहीं, आज ही मैं जमा करने आया हूँ वेतन बिल। हाँ, तो ये सर्वर डाउन होने के कारण इंतजार कर रहा हूँ। 11 बजे से आया हम लोग, लाइन में लगा दिए हैं बिलों को और उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मतलब बिल मतलब रिसीव होगा और उसके बाद हमको रजिस्टर वापस मिलेगा। बिटिया, यहाँ किसी अधिकारी कर्मचारी से सर्वर रूम टेजरी से बात हुई आपकी? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की इस संबंध में। हाँ, और आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने ये आदेश दिया था कि 23-24 तक इनका भुगतान हो जाना है, लेकिन ये सर्वर फेल है और दूसरा विकल्प नहीं है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों का भुगतान कैसा होता है। रायपुर से सत्या राजपूत। कई बार यदि कभी सर्वर बंद रहता है तो उसके लिए वो रखा हुआ वो पोस्टर है और जो बीटीआर है वो रेगुलर होके निकल रहे हैं धीरे धीरे से। और समय लग जाएगा इसको दुरुस्त करने में? नहीं, काम तो चालू हो गया। मैंने जैसे अभी आपके सामने ही बात किया काउंटर वाले से, वो काउंटर डिटेल चल रहा है, वो बारी बारी से होता है, चलता रहता है धीरे धीरे। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। उचित शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। विजय झा कर्मचारी संघ नेता,
आपका भी बहुत स्वागत है और राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले तो मैं उचित जी आपका रुख करूंगी कि 27 को दिवाली है और सर्वर ने तो दिवाला निकाल दिया तमाम कर्मचारियों का। जी हाँ, ऐसी एक त्रुटियों के बारे में पता चला है आज, तो ये काफी गलत है और वाकई ये हम लोग टेक्निकली साउंड है नहीं। एक्चुअली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जितने भी आला एम्प्लॉय बैठे हैं, जितने भी बड़ी एनआईसी की टीम बैठी है, चिप्स की टीम बैठी है, वो उतने एक्सपर्टीज है नहीं। कुछ लोग जो लास्ट टाइम भी आप देखे कि व्यापक हमारे रिजल्ट के वक्त भी उस टाइम में ऐसा आया था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो ऐसे मौके बार बार मुख्यमंत्री जी को दिए क्यों जा रहे हैं? हम लोग साफ सुथरी बात करें तो ये है कि हम लोग टेक्निकली अन्य राज्यों की तरह यहाँ पे साउंड नहीं है। हमारे पास जो टीम होनी चाहिए थी वो नहीं है। हम लोग जो है जो मतलब जो इतने एक्सपर्ट्स लोग नहीं है हमारे, चाहे एनआईसी की टीम में हो। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके पास शैडो सर्वर नहीं है। देखिए, अगर आप सर्वर फेल होने की बात करते हैं तो शैडो सर्वर से आप वो ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, उससे लिंक जोड़ के आप काम कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसके पास शैडो सर्वर ही नहीं है जो जिससे वो लिंक करके बाकी, अगर ये सर्वर अगर डाउन भी होता है तो उस सर्वर से जोड़ के वो काम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर भी काम नहीं हो रहा है। हम अभी भी पुराने ढर्रे पे पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। हम आज देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, इस छत्तीसगढ़ को इतने नए और फास्ट जमाना आ गया है, हम लोग को क्लाउड सर्विसेज पे जाना चाहिए, तो अभी भी हम सर्वर खरीद रहे हैं। मतलब हम आज भी वो पुराने कैमरे लेके चल रहे हैं, वो जमाना आप कहां से कहां पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा या आईटी डिपार्टमेंट है, ये उतना साउंड नहीं है जितना होना चाहिए। इस तौर पे सरकार के लिए ये बड़े गंभीर सोच का विषय है। बिल्कुल, वाकई में विजय झा जी, क्या कुछ दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? क्योंकि 23-24 को सैलरी आना था, बोनस मिलना था, अब बोनस तो छोड़ ही दीजिए, जब सैलरी ही नहीं आ रही है, सर्वर डाउन है, तो मतलब इस बार भी दिवाली फीकी वाली। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कर्मचारी संघ के लगातार चर्चा और मांग पर उन्होंने एक आदेश जारी किया कि दीपावली के पहले अक्टूबर माह का जो वेतन है वो 24 और 25 तारीख को भुगतान हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सातवां वेतनमान के एरियास का दूसरे किस्त का भुगतान भी दिवाली के पहले करने के लिए उन्होंने कहा था। हम लोग बड़ा खुश थे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी कि प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी दीपावली बड़े अच्छे से मनाएगा, उत्साहपूर्वक मनाएगा, बच्चों के लिए मिठाई है, कपड़ा है, पोताई है, सफाई हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के मंशा के विपरीत ये, जैसा जी शर्मा जी ने बताया कि हम टेक्निकली कहीं ना कहीं हम फेल हैं, या उतने परफेक्ट नहीं है। तो आज ट्रेजरी में हम जब बिल जमा करवाने के लिए गए तो सब बिल रुके हुए थे, उसका एक ही कारण था कि सर्वर डाउन है। अब सर्वर यदि रायपुर राजधानी में डाउन है तो आप कल्पना कीजिए दंतेवाड़ा में, सरगुजा में या कोंडागांव में, जहां 12 महीना मैंने समस्या रहता है, तो वहाँ क्या स्थिति होगी? तो प्रदेश के कर्मचारियों को कुल मिलाकर के वेतन और सातवें वेतनमान का जो भत्ता है वो नहीं मिल पाएगा, और दिवाली जो है शून्य बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। हम लोग चिंतित थे। अच्छा, ये सर्वर की जो व्यवस्था है वो मंत्रालय में जो डायरेक्टरेट ऑफिस है ट्रेजरी का, संचालक कोष एवं लेखा, वहां से ये गवर्न होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। हमने उनसे मांग किया कि भाई आप तत्काल इसको सुधारे, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा फिर इतना। अभी इसमें तीन प्रकार की समस्याएं हैं, केवल ट्रेजरी में बिल जमा करने के लिए सर्वर की समस्या नहीं है। अभी 30% विभाग के बिल जो है, तनखा बिल हो चाहे एरियर बिल हो, ट्रेजरी में इसलिए जमा नहीं हो पाया कि वहां भी सर्वर डाउन है। जब सर्वर चालू होगा तब बिल बनेगा, आजकल सब ऑनलाइन होता है। तो तीसरी बात यह है कि जब वहां ट्रेजरी में भीड़ बढ़ गया तो ट्रेजरी के कर्मचारी भी परेशान, भीड़ को झेल नहीं सकते, वो भी खुद कुर्सी छोड़ करके जाएंगे, क्या करेंगे, उनकी जो समस्या है। तो कुल मिलाकर के ये सर्वर का जो समस्या है उसका स्थायी समाधान होना चाहिए, और जो शासन का आदेश होता है, मुख्यमंत्री जी का आदेश होता है, उसका अक्षरशः पालन होकर के अधिकारी कर्मचारी को उसका लाभ मिलना चाहिए, अन्यथा दीपावली हमारे लिए सुना हो जाएगा। जैसा आपने न्यूज में चलाया ही है कि ग्रहण लग गया हमारे दिवाली पर, तो ग्रहण न लगे, चंद्रमा का लाइट, सूर्य का लाइट जले हमारे घर में, कर्मचारी अधिकारी। आशा तो यही है हमारी। विराम अवतार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जिस तरह से हम सर्वर डाउन हुआ है चर्चा कर रहे हैं, दोनों ही हमारे गेस्ट अपने अपने रिएक्शन दे चुके हैं, क्या लगता है वाकई में सर्वर डाउन हो मतलब हुआ है, या किसी कॉन्स्परेंसी के तहत इसको डाउन किया गया है? क्योंकि पिछली बार जब व्यापम वाला जब मैटर उठा था, तब मुख्यमंत्री को खुद आके
मतलब कहना पड़ा था कि ये गलती हुई है, आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से सर्वर डाउन हुआ है तो दिक्कतें तो खड़ी हो गई हैं। देखिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि अब डिजिटल में सब जा रहे हैं सब चीज, तो ऐसे में जो सब कंप्यूटर पर ही निर्भर हो गए हैं पूरी तरह, और कंप्यूटर में इस तरह की तकनीकी दिक्कतें वो आए दिन आती रहती। कोई एक अभी क्योंकि वेतन का समय है, दिवाली का समय है और सरकार ने घोषणा कर दिया है, इसलिए ये बात बहुत प्रमुखता से आ रही है, मगर समय समय पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है और ये कंप्यूटर में मशीन में एक तरह की बातें आती है, परंतु जो इसके वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जब ये स्थायी तौर पर ये समस्या बनी हुई है, लगातार ये बातें आती रहती है, उसके कारण जो जिन लोगों को पेमेंट आना है, जो सरकार के ठेकेदार हैं, कर्मचारी हैं, चाहे वो सेवा देते हो, अन्य सेवाएं जो देते हैं, वो लोग लगभग लोगों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर एक ठोस तरीके से अगर ये कदम उठाए जाएंगे तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आज हम सब चीज जो है कंप्यूटर के युग में कंप्यूटर पे चले गए हैं, डिजिटलाइज होती जा रही है। सर्वर का जो प्रॉब्लम है वो आते रहता है, जिसका हल निकलना चाहिए। जी बिल्कुल रामावतार जी, क्योंकि आप उचित जी एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे थे, उसका जिक्र किया कि हम उसी छत्तीसगढ़ में वही पुराना ढर्रा फॉलो किया जा रहा है, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें एड ऑन हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उसी पुराने ढर्रे पे चला जा रहा है। जिस तरह से सर्वर डाउन हो रहे हैं उससे तो लग रहा है कि मैन्युअली जो वर्क हुआ करता था वो ज्यादा बेटर था। नहीं अब देखिए, अब वो समय नहीं रह गया कि हम वापस लौट जाए, कि उन स्थितियों में बहुत पूरे रिकॉर्ड रखना और लिखा पढ़ी लंबा समय लगता था, अब वो समय नहीं लगता। तो कर्मचारियों के लिए जिनको पेमेंट मिल रहा है उसके लिए अब सुविधाजनक स्थितियां हो गई है। तो अब जो है इसमें और क्या टेक्नोलॉजी के जरिए और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, इस दिशा में सोचना होगा, तभी ये स्थितियां आएंगी। बिल्कुल, जो उचित शर्मा जी कह रहे हैं वो एक कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सब चीज पुराना ढर्रा में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर चल रहा है तो सरकार को इस दिशा में कदम कैसे उठाए जा सकते हैं। जैसे हम क्योंकि छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य है, वनों से आच्छादित है, एक बड़ा इलाका बस्तर और सरगुजा जो है उसमें नेटवर्क का आज भी समस्या बना हुआ है, तो उसके कारण वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थितियां ना हो, ऐसी स्थिति में जो बाहर के लोग उनके लिए वैकल्पिक कर देना चाहिए कि जो ऐसी सर्वर का प्रॉब्लम रहेगा तो आप इस तरह से तत्कालिक रूप से इसकी व्यवस्था करें, बिल्कुल स्थायी तौर पर आदेश निकल जाए, बिल्कुल तो ये समस्याएं आए दिन नहीं जाएगी। बिल्कुल वाकई में उचित जी, जो आईटी प्रोफेशनलिस्ट बैठते हैं, जो पूरा कंट्रोल करते हैं, अगर इस तरह से ही सर्वर डाउन हो रहा है तो फिर इनकी क्या उपयोगिता रह जाती है। बड़ी बड़ी एमएनसी से आते हैं, इन टाई अप किया जाता है सरकारों की तरफ से, मैप आईटी काइंड ऑफ, तो फिर इनकी उपयोगिता क्या रह जाती है अगर आप सर्वर ही प्रॉपर टाइम पे आप नहीं दे पा रहे हैं तो। देखिए ये एक लाल फीता शाही है पूरी की पूरी, इसको तकनीकी रूप से आपको समझना पड़ेगा कि एक सर्वर होता है और एक होता है नेटवर्क। सर्वर वो चीज है जहाँ पे पूरे हमारे डेटा है, वह डेटा बैंक है, लेकिन वो डेटा बैंक ही उसको संभालने की जिनकी जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रोटोकॉल है जिसको मेंटेन किया जाता है। अब व्यापम वाली बात आपने की, व्यापम वाली बात भी इतनी सीली चीज के कारण मुख्यमंत्री को माफी मांगना पड़ा कि ये बड़ा हास्यपद है। आपको बता दूं कि डेढ़ साल से उसके मेंटेनेंस के ठेकेदार को भुगतान नहीं हो रहा था, मात्र एक एसी के फेलियर होने से पूरी व्यवस्था फेल हो गई, एसी खराब होने से व्यवस्था फेल हो गई है। आप मान सकते हैं इतनी छोटी सी कारण थी, क्यों? क्योंकि आप जो मेंटेन करते हैं उनको आप भुगतान ही नहीं कर रहे। हाँ 300 करोड़ के भुगतान आप कर रहे हैं क्योंकि वहां से मोटा कमीशन आ रहा है, लेकिन ये व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। और सेम चीज वही कि हम सर्वर खरीद रहे हैं जिसमें कमीशन ज्यादा है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का सर्वर खरीदने में हम बहुत इंटरेस्ट है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ
कि ये तकलीफ केवल और केवल कर्मचारियों और अधिकारियों की नहीं है, ये तमाम उन सप्लायरों की है, जैसा वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, तमाम उन सप्लायरों की है, सेवा देने वालों की है, ठेकेदारों की है, जो सरकार के साथ जुड़ के सप्लाई करते हैं उनकी है, उनको ट्रेजरी में बिल जाते हैं, फिर उनको भुगतान मिलता है। अच्छा, तो समस्या केवल अधिकारी कर्मचारी की नहीं है, ये बड़ी व्यापक समस्या। बिल्कुल उचित जी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि जी, जब व्यापम वाला मैटर हुआ उसके बाद भी मतलब तमाम अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया कि इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएट होती है, और जब खास तौर से जब इतना बड़ा फेस्टिवल, हाँ इतना बड़ा फेस्टिवल, जब मुख्यमंत्री खुद सैलरी के साथ साथ बोनस का भी बोल चुके हैं, तो इस वक्त अगर सर्वर डाउन होता है, फेलियर होता है, तो जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी लेने वाले भी सामने नहीं आ रहे, तो मतलब पुरानी घटनाओं से सबक ही लेने के लिए तैयार नहीं है ब्यूरोक्रेसी भी। नहीं ली, आप मुख्यमंत्री ने बोला हम इसकी जांच कराएंगे, बताइए अब जांच के बाद क्या हुआ? कोई है सरकार का नुमाइंदा जो बता सके कि मुख्यमंत्री की जांच के बाद क्या हुआ? जांच होगी, जांच के बिंदु ना तय किए गए हैं, ना अधिकारी तय किए गए हैं, ना उनको आज दिनांक तक सजा मिली। मतलब मुख्यमंत्री, इतना बड़ा विषय, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से माफी मांगना उस विषय को लेकर, और उसमें जांच तक नहीं बैठे, बड़ा हास्यास्पद है, और आज तक किसी को सजा भी नहीं मिली। ये सेम चीज है कि एनआईसी की टीम अपना शेडो सर्वर नहीं है उनके पास, ये टेक्निकली रूप से अगर आप देखें तो बड़ा हास्य का विषय है कि किसी इतने बड़े राज्य के पास अपने डेटा को रखने के लिए शेडो सर्वर नहीं है, उनके पास आपातकाल की व्यवस्था नहीं है, उनके पास इमरजेंसी के लिए व्यवस्था नहीं है। अगर ये टेक्निकली सर्वर अगर डाउन है तो सर्वर डाउन होने के कारण क्या वो भी खोजे जाए, और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था है वो भी खोजे जाए, लेकिन सरकार के पास इन एफिशियंट आदमी होने के कारण सरकार उन लोगों से काम करा रही है जो मात्र बीकॉम बीएससी पास है, जो हाईटेक होने चाहिए, जो हाईटेक आईटी एक्सपर्ट होने चाहिए, वो सरकार के पास नहीं है। सरकार एक्चुअली अपने नियर एंड डियर को वहाँ नौकरी दे रही है, एक्सपर्टीज की कमी है क्लियरली। बिल्कुल, वो एनआईसी की टीम हो चाहे चिप्स की टीम हो, चिप्स में तो हमने देखा कि तत्कालीन सरकार ने किस तरह से रेवड़ियां बांटी हैं, वो तो चिप्स में हमने देख ही लिया था, उसको लेकर भी चर्चा हो चुकी है। विजय जी, जी बिल्कुल विजय जी, आप लोगों ने जैसे बताया कि सर्वर डाउन है, ट्रेजरी के बिल रुके हुए हैं, सैलरी के बिल रुके हुए हैं, तमाम तरह की दिक्कतें, क्योंकि अब दीपावली भी सर पे है, तमाम जो एक्सपेंडिचर्स रहते हैं वो आप लोगों के सिर पर है कि कैसे अब त्योहार मनाया जाएगा। अधिकारियों को जब अवगत कराया तो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला कि कब तक ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा? देखिए, जैसे हमारे कर्मचारी संघ के द्वारा विरोध किया गया और इस बात को पॉइंट आउट किया गया ऊपर तक मंत्रालय तक, तो आप देखिए खुद आपके सामने आपके टीवी में ही रवि नेताम ट्रेजरी ऑफिसर जी ने स्वीकार कर लिया कि नहीं अब शुरू हो गया और लेना शुरू हो गया, देखिए काउंटर में काम हो रहा है। मैंने कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, दबाव हो रहा है तब आप काम कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के शाम की स्थिति में कुछ विभागों के बिल तो जमा हुए हैं लेकिन सर्वर फिर चालू होता है फिर बंद हो जाता है, इस बात की गारंटी नहीं है कि कल 11 बजे ट्रेजरी खुलेगा तो सर्वर चालू रहेगा। जिस विभाग के लोग अभी बिल जमा नहीं किए हैं वो लोग कल जमा करने जाएंगे तो उनका बिल जमा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ऑनलाइन होने के कारण देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने, वित्त विभाग ने एक आदेश स्थाई जारी करके रखा है कि 1000 रुपए से ऊपर कोई भी भुगतान वो नगद नहीं किए जाएंगे। तो हर किस्म के भुगतान जो है पेमेंट गवर्नमेंट के वो सब ऑनलाइन और अकाउंट में होते हैं। अन्यथा एक विकल्प के रूप में हो सकता था कि जितने विभाग के बिल यहाँ आ रहे हैं वो विभाग वाले बिल को जमा कर दें, यदि बिल नहीं निकलता है तो उतना पैसा अपने खजाने से वो पेमेंट कर दें और जब बिल आएगा तो उससे कुहा करके समाजन कर ले, एडजस्टमेंट कर लें। लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा करते नहीं है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। गवर्नमेंट एम्प्लाइज का पेमेंट है, यदि 2000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट भी हो गया किसी कारण से तो आप तो दूसरे दिन उसको रिकवरी कर सकते हो ना, तो आपके जेब में जो पैसा है उसको आप जब आएगा तब इस खजाने में डाल देना, और आपके पास जो पैसा हो गवर्नमेंट एम्प्लाइज को, और कम से कम छोटे हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, इनको दिवाली में एक उम्मीद रहती है कि सरकार हमको दे रही है तो हम कुछ अच्छा दिवाली मना लें। तो विकल्प कहीं ना कहीं ढूंढा जा सकता है, विकल्प ढूंढने के लिए इच्छा शक्ति का अभाव है, अन्यथा हर चीज का विकल्प है। देश में या प्रदेश में ऐसा कोई चीज मुझको बता दीजिए जिसका कोई विकल्प ना हो, विकल्प है करने वाले अधिकारी या शासन स्तर पर बैठे अधिकारी उसको उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। यदि कल मंत्रालय वालों का सर्वर डाउन हो करके उनको तनख्वाह नहीं मिलेगा, देखना आप नया विकल्प तुरंत तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस बात का एग्री भी कर रही हूँ रामोत्ता जी, क्योंकि विजय झा जी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन मंत्रालय अधीनस्थ कर्मचारियों की होती, आईएएस आईपीएस की होती, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, तुरंत अल्टरनेट व्यवस्थाएं की जाती। और दूसरी चीज ये है कि जिस अल्टरनेट की बात ये कर रहे हैं उस अल्टरनेट को भी किया जा सकता है, लेकिन इतनी मतलब उसमें
इतनी ज्यादा माथापच्ची नहीं की जा रही है कि उसको इतना ज्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हो। और तीसरा सवाल यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जितना गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए, दबाव बिना दबाव के कुछ नहीं होता, क्या बिना दबाव के वाकई में कुछ नहीं होता? दबाव बनाना ही जरूरी है तब जाके ये तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। देखिए विजय झा जी एक सुलझे हुए कर्मचारी नेता हैं और सभी चीजों को बारीकियों से जानते हैं और इन तीनों जो सुझाव रखे हैं बहुत ही गंभीरता की बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति की कमी है तभी तो ये बार बार सवाल उठ रहे हैं और ये बार बार समस्या बनी हुई है। नहीं तो एक बार अगर बात आ गई, दो बार आ गई बात, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। जैसे वैकल्पिक व्यवस्था की बात इन्होंने की कि सरकारी कर्मचारियों को ही वेतन देंगे, तो उनके वेतन देने के लिए आप उनको छूट दे दीजिए संबंधित अधिकारियों को। अगर ये सर्वर डाउन की स्थितियां बनती है, ऐसी स्थितियों में ट्रेजरी ये पैसा दे दे, बाद में उसका समायोजन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रखनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मंत्रालय में हो जाए तो हड़कंप मच जाता है, क्योंकि शासन चलाने वाले वहीं बैठते हैं। कोई मंत्री का पैसा रुक जाए, कोई आईएएस अफसर का पैसा रुक जाए, तो सारे नियम कानून तत्काल बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास पावर है और खर्च कर सकते हैं और उनके लिए अपने लिए पूरी इच्छा शक्ति है। तो ऐसे स्थितियों में अगर भेदभावपूर्ण नीति रहेगी और भेदभावपूर्ण तरीके से अगर नियम रहेंगे तो ये शासन चलाने में असुविधा होगी और लोगों के बीच आक्रोश होना स्वाभाविक है। वो भी एक दिवाली का त्यौहार है जो सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है। ऐसी स्थिति में अगर वो अपनी जो महीने भर का तनख्वाह है वही तो ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज तो मांग भी नहीं रहे हैं, वो तो उनको आपने देने की घोषणा भी कर दी है, तो ये घोषणा की है कि आपको प्लान तैयार करने बिल्कुल सही कह रहे हैं रामवता जी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही के चलते वो भी नहीं मिल रहा है। उचित जी, आप शैडो सर्वर की बात कर रहे थे, अगर शैडो सर्वर को जनरेट किया भी जाता है और इस तरह की अल्टरनेट व्यवस्था की जाती है, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, तो कितना वक्त लगता है और कितना एक्सपेंडिचर आता है? क्योंकि सरकार तो मतलब सिर्फ लीपापोती करने में, जो सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो लीपापोती करने में जुट जाएगी। फिर देखिए मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊं कि शैडो सर्वर हर चीज रखी जाती है, एक महंगा कार्य प्रणाली है, एक जितना सर्वर में रखने का खर्चा आता है। लेकिन मैं एक चीज आपको और बोल चुका हूं कि क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहिए, ये बड़ी सस्ती और बड़ी सुलभ है। सभी टेक्नोलॉजी गूगल वगैरह उसमें जा चुके हैं, जो आईफोन वगैरह के कार्य प्रणाली उन्हीं पे है। तो क्लाउड सर्विसेज बड़ी सस्ती होती है जिसमें पैसे खर्चे बहुत कम होते हैं। इन सर्वर्स की बात रहा, सर्वर में जो खर्चे किए जाते हैं वो करोड़ों में होते हैं, फिर भी एक आदमी, ये सर्वर, शैडो सर्वर एक स्टेपनी की तरह है। अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो आपातकाल में आप स्टेपनी लगा सकते हैं, शैडो सर्वर वो होता है। लेकिन क्लाउड सर्विसेज वो चीज होती है कि जब आप सर्विस लेना चाहे तभी हमको भुगतान करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा विषय है जो स्वराज टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ कि सरकार को इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल वाकई में, और बार बार ये जो सर्वर का ग्रहण है उससे भी बचना चाहिए। विजय जी, बहुत संक्षेप में जो कोई मैसेज आप सरकार तक पहुँचाना चाहें। सरकार तक हम यही मैसेज पहुंचाएंगे कि हमारे प्रदेश का मुखिया, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो आदेश करे, जो बात करे, उसको 24 घंटा मेहनत करे और उसका पालन करे, क्योंकि मुख्यमंत्री बोल दिए, मैंने पूरा सरकार बोल दिया और प्रदेश का मुखिया बोल दिया। यदि उनके कहने पर यह नेग्लिजेंसी होगा, उनके कहने पर यदि आदमी गंभीरता से उसका पालन नहीं करेगा, तो नीचे स्तर पर के जो अधिकारी एसपी कलेक्टर कोई आदेश करेंगे या जिला शिक्षा अधिकारी आदेश करेगा, उसका पालन होगा? रामवता जी, वाकई में, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो संवेदनशील है, उनकी संवेदनशीलता भी हमने वक्त वक्त पर नहीं हर वक्त हमने देखी है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनकी संवेदनशीलता पर भी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बहुत संक्षेप में देखिए, कोषालय जो रखा गया है वो इसी काम के लिए रखा गया है कि लोग, जो सरकार है, सरकार के जो काम कर रहे हैं उनको समय पर पेमेंट दे दिया जाए। तो ये एक पूरा विभाग अमला काम करता है, एनआईसी उसमें जुड़ा हुआ है, तो अब उन लोगों को इसी दिशा में ही काम करने चाहिए ना। कि अब टेक्नोलॉजी का युग है, अब दिनों दिन आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तब आप इसमें, और जैसे कि
उचित जी ने बताया कि बेहतर और विकल्प हैं, हाँ। शायद उन विकल्पों पर नहीं जाना चाहते, इसके कारण क्या है, क्या पैसा नहीं है क्या? एक सवाल ये भी लगातार उठता है कि धान खरीदी और कर्जा माफी के बाद सरकार की स्थितियां कुछ कमजोर है, तो ये सवाल ये भी उठता है कि सरकार ने घोषणा तो कर दी पर उसका बजट पैसा तो नहीं है, एक ऐसा संदेह पैदा हो जाता है, तो इस संदेह की स्थिति को भी निकालने के लिए ये एक जो विभाग अमला बड़े वेतन के साथ काम कर रहे हैं, बड़े टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं और बड़े हर सरकार इस पर बड़े बड़े दावे करती है, देखने वाली बात ये रहेगी अब कैसे सर्वर के ग्रहण से बचा जाएगा और कैसे कर्मचारियों में जो बेचैनी है उस बेचैनी को खत्म किया जाएगा। बहरहाल उचित जी चर्चा में आप शामिल हुए, बहुत शुक्रिया विजय जी। हम चाहेंगे कि आपकी दिवाली भी दियों से जगमगाए और आप लोगों को भी वक्त में आपका बोनस और आपकी जो सैलरी है वो मिले, सर्वर जो डाउन हुआ है वो ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राम अवतार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और ट्रेजरी का जो सर्वर है जो 24 घंटे से डाउन है जिसकी वजह से विभागों के जो बिल अटके हुए, अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी गंभीरता से लेकर इन सर्वर जो सर्वर डाउन है उनको ठीक किया जाता है और इन तमाम अधिकारी कर्मचारियों की जो दिवाली है वो कैसे दीपों की तरह जगमगाती है। बहरहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।